विकास संस्था विगत 14 वर्षों से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बच्चों की बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संकल्पित प्रयास का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनकी शिक्षा स्तर को बेहतर करना। संकल्प एक प्रयास के कर्तव्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीख प्रोग्राम आता है, जिसका परिचय मैं आपको करवाती हूँ। हमारे सीख सपोर्ट सेंटर जो कक्षा पहली से पांचवी तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती है, इन बच्चों को गांव में ही संकल्प के लर्निंग रिसोर्स सेंटर में उसी गांव की पढ़ी लिखी लड़कियों द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चों को उनके स्तर के आधार पर पढ़ाया जाता है, जिसमें कुल 5 स्तर है, स्टार ग्रुप, मून ग्रुप, सन ग्रुप, रेम्बो ग्रुप और स्काई ग्रुप। प्रतिमा बच्चों का आकलन भी किया जाता है और उसी के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाता है। बच्चों के पठन विकास को बढ़ाने के लिए सेंटरों में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, जहां कहानियों को पढ़कर बच्चे अपनी भाषा का विकास कर पाते हैं, साथ ही उनका शब्द भंडार बढ़ता है और बच्चों में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट जैसे लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड कोलैबोरेशन स्किल को बढ़ाने के लिए हमने धमधा ब्लॉक के 21 सेंटरों में पीयर लर्निंग की पायलटिंग की है। पीयर लर्निंग का अर्थ है साथ साथ पढ़ना और सीखना। एक छात्र की दूसरे छात्र से सीखने की गति व पद्धति शिक्षक से सीखने की तुलना में बेहतर होती है। इसमें चौथे और पांचवे लेवल के कुछ सीखने सिखाने में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट को लीडर के रूप में चुना जाता है और 5 से 6 बच्चे उनके लर्नर रहते हैं। इस तरह से एक छोटा ग्रुप बन जाता है, जिसमें लीडर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने सभी लर्नर को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें लीडर के स्किल डेवलपमेंट और उनमें कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में लर्नर को भी सरलता से समझ आने लगता है और उन बच्चों का मोटिवेशन भी बना रहता है। इसके माध्यम से हम एक एक बच्चे पर आसानी से ध्यान दे पाते हैं। बच्चों के स्तर बढ़ाने में क्लास को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल और गतिविधि बहुत ही सहयोगी साबित हुआ है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। बच्चे टेलेंट से खेल खेल में पढ़ाई करना सीख रहे हैं। बच्चों को आसानी से समझ में आता है और समय की बचत होती है। बच्चे देखकर और करके बहुत जल्दी सीख रहे हैं। इस प्रकार पढ़ाई में पूरा सप्ताह फोकस करने के बाद शनिवार को बाल सभा की जाती है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई से संबंधित गतिविधि के साथ साथ शारीरिक गतिविधि जैसे दौड़, कबड्डी, खो खो आदि करवाए जाते हैं। साथ ही ड्राइंग और क्राफ्टिंग भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है। हमारे सभी सीख सेंटरों में त्यौहार के अवसर पर बच्चों को उस त्यौहार से संबंधित जानकारी, त्यौहार का महत्व और विशेषताएं बताई जाती है और सभी त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही इन अवसरों पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, जैसे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर राखी बनाओ प्रतियोगिता, जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव, दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाना आदि। साथ ही राष्ट्रीय पर्वों पर बच्चों के द्वारा रैली भी निकाली जाती है और देशभक्ति के नारे बुलवाए जाते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया जाता है, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना के साथ सर्वधर्म संभाव की भावना भी जागृत होती है। हमारे सभी सीख सेंटरों में
शिक्षक अभिभावक बैठक प्रतिमाह 25 तारीख को किया जाता है, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास बच्चे, माता पिता और शिक्षक की मेहनत पर निर्भर करता है। साथ ही अभिभावक अपने बच्चों की क्षमता, प्रतिभा, कमजोरी और लर्निंग स्टाइल को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। संस्था में जुड़ने के बाद गांव की इन पढ़ी लिखी युवतियों को कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग से संबंधित इंडिकेटर, लक्ष्य और आउटकम प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार लाया जा सके, क्योंकि ये युवतियाँ गांव की ही होती है जो गांव की समस्या और ग्रामीण समाज से भली भांति परिचित होती है। साथ ही हमारे लर्निंग रिसोर्स सेंटर में कार्यरत इन युवतियों को नियमित मानदेय भी दिया जाता है, जिससे इनका आर्थिक सहयोग भी हो जाता है। इस प्रकार हमारी यह संस्था शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाने में योगदान दे रही है। हमारी संस्था द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो अपनी पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, उनकी पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारी संस्था का यह सराहनीय कार्य केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। जिन बच्चों के माता नहीं है या पिता नहीं है या दोनों नहीं है या जिनकी मासिक आय 2000 रुपये से भी कम होती है, ऐसे बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए उनकी 12वीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी संकल्प एक प्रयास संस्था द्वारा उठाया जा रहा है। हमारे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए हमारी संस्था के साथ साथ हमारे समुदाय का भी भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता है। गाँव में लर्निंग रिसोर्स सेंटर संचालित करने के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा सामुदायिक भवन या सामाजिक भवन उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके द्वारा बच्चों को प्रेरित भी किया जाता है कि वे शिक्षा केंद्र जाए, क्योंकि गाँव में मजदूर वर्ग के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं और सरकारी स्कूल की पढ़ाई तक ही सीमित रहते हैं। इस प्रकार हमारे स्थानीय समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान से ही हमारे शिक्षा केंद्र से अनेक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली कक्षा 5वीं के बच्चों को हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट सेंटरों में अनुभवी शिक्षकों द्वारा नवोदय की पढ़ाई करवाई जाती है। इन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाकर समुचित अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए इन बच्चों को कक्षा 5वीं से ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है। इन प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त में उचित शिक्षा मिले और इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, इसके लिए हमारी संस्था कार्यरत है। सभी लर्निंग रिसोर्स सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों का बेसलाइन किया गया, जिसमें देखा गया कि बच्चों का स्तर अपनी कक्षा के स्तर से नीचे गिर गया है, लेकिन अब पढ़ाई में
गतिविधि और टीडीएम को प्रयोग में लाने से बच्चों का स्तर बढ़ा है, या यूं कहें कि बच्चों में इम्पैक्ट हुआ है। साथ ही बच्चों में कॉन्फिडेंस, सहयोग, लीडरशिप आदि दिखाई देता है। उसी प्रकार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को शिक्षा केंद्र भेजते हैं और सपोर्ट करते हैं। शिक्षकों में भी कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संकल्प एक प्रयास के प्रयास से शिक्षक, बच्चे, माता पिता, समुदाय सभी में इम्पैक्ट हुआ है। दुर्ग जिले के अलावा अन्य चार जिले धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद के शिक्षा में पिछड़े हुए गांवों में वहां के समुदाय के सहयोग से पिछले एक साल से सीख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सबसे पहले इन शिक्षकों को प्रथम का ट्रेनिंग दिया गया और बच्चों का बेसलाइन किया गया, जिसमें बच्चों को तीन ग्रुप में बांटा गया। बच्चों को लेसन प्लान के अनुसार पढ़ाया जाता है, साथ ही उनका मासिक टेस्ट भी लिया जाता है। अभी हमने यहाँ मिड लाइन किया तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने मिला। इस प्रकार इन चार जिलों में भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने और समुदाय का हम पर विश्वास बना पाने में सफल रहे हैं। हमारे गांव के एक संस्था है जी, हमारे लड़का मन पढ़ते और उनके एक लड़का मन हम लड़का मन ला पढ़ाए जाते और अच्छा घलो पढ़ते हमारे लड़का मन है। और यहाँ खेल कूद तको होते, सब चीज़ होते, वहाँ पेरेंट्स मीटिंग तको कराए जाते, तो हम सब महतारी मन जाता स्कूल। हमारी यह संस्था मुख्य तौर पर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन पर ही कार्य करती है, ताकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे और अपना भविष्य सुधार सके, क्योंकि ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं। हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत सी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं और उनका विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए हमारी संस्था में जरूरतमंद और सुविधाओं से वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जो बच्चों की शिक्षा को सुगम, रुचिकर, आसान बनाने की लगातार प्रयास कर रही है और शिक्षा के मूल उद्देश्यों से जोड़ रही है। इस प्रकार संस्था के अथक पूर्ण प्रयास से अंडर प्रिविलेज बच्चों का सर्वांगीण विकास और समग्र बचपन के वृहद उद्देश्य से जोड़ने में प्रयासरत है, या यूं कहें कि काफी हद तक सफल हुए हैं। हमारे पाटन ब्लॉक के सभी सपोर्ट सेंटर में पिछले साल समर कैंप लगाया गया था, जिसमें बच्चों ने भाग लिया, नई नई तकनीकों से चीजें बनाना सीखा और अपने कौशल का विकास किया, जैसे आर्ट क्राफ्टिंग, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, वेस्ट चीजों से बैग, गुलदस्ता, साथ ही खेलकूद भी करवाया गया। इस प्रकार समर कैंप से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हुआ। संकल्प एक प्रयास में हमारा एक कार्यक्रम ईमर्च कार्यक्रम है। ईमर्च कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण छात्रों के लिए इंटरनेट, डिजिटल माध्यम एवं अन्य ऑडियो और दृश्य साधनों का उपयोग कर शिक्षा को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण प्रवेश के बच्चों को ई लर्निंग शिक्षा नहीं मिल पाती है और स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण सुविधापूर्ण और वंचित बच्चों के बीच डिजिटल शिक्षा गैप आज के समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधियों और सहायक सामग्रियों का उपयोग करके शिक्षा को रोचक व सरल बनाया जा सकता है, ताकि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को आसान बनाया जा सके। ईमर्च कार्यक्रम आशा फॉर एजुकेशन और केयरिंग फ्रेंड के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में संचालित किया जाता है। वर्तमान में कुल 30 सेंटरों में ईमर्च कक्षाएं संचालित की जा रही है।
ईमर्च कार्यक्रम में बच्चों को ऑडियो वीडियो डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का संचालन होता है जो बच्चों को पाठ्यक्रम को सीखने और समझने के लिए आकर्षित करता है। जो बच्चे स्कूल या सेंटर नहीं आना चाहते हैं ऐसे बच्चे भी ईमर्च कक्षाएं में काफ़ी दिलचस्पी के साथ शामिल होते हैं जिससे छात्रों के सीखने के प्रवृत्ति का विकास होता है। इस कक्षा में रटने जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, छात्र व छात्राएं समझकर अध्ययन कर पाते हैं। ईमर्च कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्री टेस्ट किया जाता है। प्रत्येक कक्षा स्तर पर और प्रत्येक विषयों में एक नई इकाई की शुरुआत करने से पहले बच्चों के स्तर का आकलन करने के लिए प्री टेस्ट किया जाता है। पाठ्यक्रम समाप्त होने पर जो बच्चों के लर्निंग लेवल में सुधार के आकलन के लिए पोस्ट टेस्ट किया जाता है। ईमर्च के वॉलेंटियर्स को ईमर्च की शुरुआत से पहले एक नियमित प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है और उन्हें पाठ्यक्रम के संचालन के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही कक्षा संचालन का कार्य दिया जाता है। ईमर्च कार्यक्रम से बच्चों में प्रभाव। ईमर्च कार्यक्रम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी और वे बड़े उत्सुकता से सीख रहे हैं। ईमर्च कार्यक्रम से स्कूल शिक्षक और हमारे बीच एक सामंजस्य स्थापित हो रहा है। ईमर्च डिजिटल शिक्षा को गांव के कम्युनिटी लीडर्स ने भी बहुत सराहा है। इस कार्यक्रम से जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं वह छात्र व छात्राएं भी यह बदलाव नजर आ रही है।